अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे मेट्रो से सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ अक्षय ने कैप्शन लिखा है कि वे राज नाम के व्यक्ति के साथ घाट के ऊपर से वर्सोवा तक के लिए मेट्रो में आए हैं, जो 2 घंटे का रास्ता महज 20 मिनट में तय कर रही है। हालांकि अक्षय के इस प्रमोशनल पोस्ट पर लोगों ने उन्हें पाखंडी और चालाक कहा है, क्योंकि वे भी अमिताभ की तरह ही आरे फॉरेस्ट को काटने की सलाह दे रहे हैं। यह है पूरा मामला। मुंबई के गोरेगांव स्थित 3200 एकड़ में फैले आरे फॉरेस्ट को मेट्रो कार डिपो के निर्माण के लिए हटाया जा रहा है। 1000 एकड़ जमीन पर पहले ही अतिक्रमण और निर्माण कार्य हो चुका है। बाकी 2200 एकड़ जमीन में से 90 एकड़ पर कुलाबा बांद्रा सीज मेट्रो 3 के लिए कारशेड बनाया जाएगा। दावा है कि यहां 3600 पेड़ हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इसमें से 2700 पेड़ काटे जाएंगे। यह है MMRC का दावा। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा कि आरे फॉरेस्ट में मेट्रो के लिए 2700 पेड़ काटे जाएंगे। इतने पेड़ साल भर में 64 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, जबकि 4 दिन में मेट्रो 3 लगभग 194 ट्रिप करेगी। इससे इन दिनों में 64 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, यानी मौजूदा प्रदूषण कम हो जाएगा। यूजर्स ने ऐसे किया। रिएक्टाई एम मिसिंग नाम के एक अन्य यूजर ने हिपोक्रेसी की परिभाषा लिखते हुए से वारे हैशटैग किया है। इसमें आरे को बचाने के लिए चल रहे 814वें दिन को भी हैशटैग किया है। चर्चिल द खोले नाम के यूजर ने अक्षय की इस वीडियो पर उनका अमेजन जंगल में लगी आग पर किया गया पोस्ट शेयर किया है। साथ ही लिखा है, पाखंडी, अमेजन रेन फॉरेस्ट के जलने पर रो रहे थे और अब चालाकी से आरे के जंगल को काटने का समर्थन कर रहे हो। नीतेश नाम के ट्विटर हैंडल से अक्षय की पोस्ट पर कमेंट आया है, तुम इस सरकार के दलाल हो, आरे के जंगल को बचाओ। बॉन्ड ने लिखा है, चाचा आप तो कनाडा निकल जाओगे, तो जाने से पहले आरे के जंगल को क्यों बर्बाद कर रहे हो। आपके बच्चों के पास कनाडा में साफ हवा होगी, लेकिन मुंबई के लोगों और बच्चों का क्या। बॉन्ड ने लिखा है, चाचा आप तो कनाडा निकल जाओगे, तो जाने से पहले आरे के जंगल को क्यों बर्बाद कर रहे हो। आपके बच्चों के पास कनाडा में साफ हवा होगी, लेकिन मुंबई के लोगों और बच्चों का क्या।